ये बिजनेस किस चीज का है, गुड्स का या सर्विसेज का? सारे गुड्स का है। गुड्स का है, कैसे पता? इससे पहचान लो कि भाई ये गुड्स का या सर्विस का है। सर्विस होगा तो इन्वेंटरी नहीं होगी, और अगर इन्वेंटरी है तो ये सर्विस का बिजनेस नहीं है। हमारे पास आएगा सेल्स, ठीक है। सेल्स दी हुई है यहाँ पे, सेल्स दी हुई है कितने की, 1,05,000 की। तो हमने कहा भाई सेल्स 1,05,000 की, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, हमारे पास था सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट, ठीक है। सेल्स रिटर्न दी हुई गई हमारे पास, ये रही सेल्स रिटर्न। हमने कहा भाई सेल रिटर्न आ जाएगी यहाँ पे, सेल्स रिटर्न कितने की हमारे पास, 5,000 की सेल्स रिटर्न है, ठीक है। क्या सेल डिस्काउंट दिया हुआ यहाँ पे? नहीं है कहीं, नहीं सर, सेल डिस्काउंट नहीं है, रिटर्न है। तो रिटर्न होगी ना, हाँ। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया नेट सेल्स आ गया हमारे पास। कैसे? हमने कहा भाई इसमें से इसको माइनस कर दे तो क्या निकला है, ये हमारे पास नेट सेल, नेट सेल आ गया, ठीक है। अब लेस क्या था हमारे पास, लेस कॉस्ट, सेल रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सोल्ड, ठीक है ना। क्या किया था हमने, क्या था हमारे पास नेट सेल के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आएगा हमारे पास बिगनिंग, अगर कोई हमारे पास बिगनिंग है तो वो ले लेंगे। बिगनिंग इन्वेंट्री है कोई? है सर, इन्वेंट्री है हमारे पास। बिगनिंग कितने की है? बिगनिंग हमारे पास 15,000 रुपए, इन्वेंट्री बिगनिंग 15,000 की। तो हमने ले लिया भाई 15,000 की हमारे पास बिगनिंग है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या था, एड नेट परचेजेस, ठीक है भाई। नेट परचेज में क्या लिया था हमने, पहले था परचेज, परचेज परचेज है यहाँ पे, परचेज कितने का है, 50,000 का, 50,000। तो 50,000 की परचेज आ गई, लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न हमें दी हुई क्या, परचेज रिटर्न कहीं है, रिटर्न कहाँ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न नहीं, परचेज डिस्काउंट ऐड होगा, परचेज डिस्काउंट ऐड नहीं होगा, माइनस होगा ये भी, ओह सॉरी, ठीक है। और क्या करेंगे हम, इसको माइनस कर देंगे भाई, लेस परचेज डिस्काउंट। और कितने का है हमारे पास डिस्काउंट, ये है हमारे पास 2,000 का, ठीक है भाई। अच्छा और क्या था हमारे पास, परचेज ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब क्या है भाई, जो हमने सामान खरीदा वो लेके भी तो आए हैं, ठीक है। हम उसको ट्रांसपोर्टेशन इन भी कहते हैं, हम उसको कैरेज इन भी कहते हैं, दोनों नाम एक ही के हैं, ठीक है। चाहे आप उसको ट्रांसपोर्टेशन इन का हो या कैरेज इन का हो, ठीक है। कितने का है, ये है 2,000 का, ठीक है। तो क्या निकला है हमारे पास, ये निकल आया नेट परचेजेस, ठीक है। कितने का आ गया, ये माइनस ये प्लस ये, ठीक है भाई। तो ये क्या निकला है हमारे पास, नेट परचेज। तो अगर हम बिगनिंग और नेट परचेज को ऐड कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास, ये क्या लाएगा, अवेलेबल फॉर सेल, फॉर सेल के भाई इतना माल हमारे पास मौजूद है, किस चीज के लिए, बेचने के लिए, ये प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लेस एंडिंग, एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग कितनी हमारे पास यहाँ पे, कहीं हमारे पास एंडिंग नहीं दी हुई, एंडिंग ये रही एडजस्टमेंट में, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कितने की है, 20,000 की एंडिंग हमारे पास मौजूद है, ठीक है। एंडिंग कितनी आगे आ गई हमारे पास, ये आ गई 20,000 की, ठीक है। तो क्या निकल आया, ये निकल आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कितने आगे आ गया हमारे पास, हमने कहा भाई ये इक्वल्स टू ये माइनस ये, तो 45,000 का हमारे पास क्या निकल आया,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आया, ठीक है। अब 1 लाख की हमने सेल किए और 45,000 की हमने क्या किया हुआ है, इन्वेंट्री खरीदी थी, या 45 की इन्वेंट्री की कॉस्ट आई है। देखो बात समझो, अगर मैं 1 लाख का सामान बेच रहा हूं तो भाई क्या 1 लाख पूरे का मेरा प्रॉफिट होगा? नहीं, नहीं सर, लॉस भी होगा उसमें। ना 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 ना, कुछ खरीदा भी तो होगा ना, हमने 1 लाख का अगर सामान बेचा है तो भाई खरीदा भी तो होगा, खरीद के तो बेचा है ना, तो कुछ कॉस्ट भी तो आई होगी। वो कॉस्ट कितनी आई हुआ, ये 45,000 रुपए की कॉस्ट आई, तो एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ? हमने कहा भाई 1 लाख माइनस 45,000, तो ये 55,000 का क्या हुआ है, मुझे प्रॉफिट हुआ है। मगर कौन सा प्रॉफिट है, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि इसमें से अभी मैंने एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए। क्लियर है? सही है सर। ठीक है, अच्छा भाई, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्या कोई और चीज भी है? हाँ भाई बिल्कुल, हमारे पास क्या थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन सा है, हमारे पास निकाल दीजिए, हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रिसीवेबल पेबल सेल्स रिटर्न परचेज परचेज डिस्काउंट कैश इन्वेंट्री अनन प्रीपेड रेंट कैपिटल फर्नीचर डर। हाँ, यहाँ पहला एक्सपेंस हमारे पास क्या नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है सैलरी एक्सपेंस। कितने का है, 36,000 का सैलरी एक्सपेंस है। तो हमने कहा भाई सैलरी एक्सपेंस कितने का, 36,000 का, ठीक है। मगर नीचे क्या कह रहा है सैलरी के बारे में, वो कह रहा है एक्चुअल सैलरी फॉर द ईयर कितनी की है, 40,000। इसका मतलब क्या है कि 36,000 में दे चुका हूं, जैसे ही मैंने पे किया मैंने फौरन क्या कर लिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया एक्सपेंस के अंदर 36,000 की, भाई मैंने ये खर्चा हो गया है। बट एक्चुअली खर्चा कितने का हुआ है, 40 का हुआ है। खर्चा कितने का है, 40 का है। पे कितना किया है, 36। तो इसका मतलब क्या है, 4,000 देने अभी बाकी हैं, समझ रहे हो, 4,000 अभी देने बाकी हैं। तो एक्चुअली खर्चा कितना हुआ है हमारे पास, सैलरी का एक्सपेंस कितना हुआ है, 40,000 का। क्या किया हमने, हमने कहा भाई एक्चुअल सैलरी फॉर द ईयर कितनी है, 40,000 की एक्चुअल सैलरी है, ठीक है। पे कितना किया हुआ है हमने सैलरी के अगेंस्ट में, सैलरी के अगेंस्ट हमने पे किया हुआ है 36, तो दैट मींस 4,000 देने बाकी है। टोटल खर्चा कितना हुआ है, 40,000, ठीक है। भाई हमारे पास सैलरी के बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है भाई। ये आ गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, कितने का है हमारे पास, 10,000 का, ठीक है 10,000 का। मगर क्या एडवर्टाइजिंग के बारे में नीचे कुछ बता रहा है, नहीं, नीचे कुछ नहीं बता रहा एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा 10,000 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ट्रायल खत्म हो गया हमारे पास, कोई और एक्सपेंस हमारे पास 10,000 नहीं आ रहा। अब आगे बढ़ते हैं, हमने कहा ठीक है अब एडजस्टमेंट को चेक करते हैं एक बार। इन्वेंट्री एंडिंग ले चुके, सैलरीज ले चुके, डेप्रिसिएशन क्या कह रहा है, 10% डेप्रिसिएशन हुआ है किस पे, फर्नीचर पे। इसपे हुआ है फर्नीचर पे, कितना हुआ है, 10%। फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर था हमारे पास 20,000 का, ठीक है। तो क्या गया हमारे पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस पे, फर्नीचर पे, कितना है, फर्नीचर था हमारे पास 20,000 का और डेप्रिसिएशन कितना है उस पे, 10%। तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 20,000 का 10%, कितना गया, 2,000 का ये डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है भाई। अच्छा डेप्रिसिएशन भी हमने ले लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन का, हम उसको बाद में देखेंगे, छोड़ दो। 75% रेंट एक्सपायर्ड, कितना है, 75% रेंट एक्सपायर्ड। रेंट का था हमारे पास प्रीपेड रेंट, प्रीपेड का मतलब क्या है, हमने एडवांस में रेंट दिया हुआ है, कितना दिया था, 8,000 का रेंट दिया था, जिसमें से 75% रेंट एक्सपायर्ड हो गया, मतलब वो खर्च हो गया है, एक्सपेंस बन चुका है। तो हमने कहा भाई ठीक है रेंट एक्सपेंस कितने का था, 8,000 का रेंट था जो हमने एडवांस में दिया था,
इसका 75% क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है, मतलब 6000 का रेंट एक्सपेंस हो गया। क्लियर है भाई? रेंट के बाद फिर इंटरेस्ट पे बिल वगैरह वगैरह छोड़ दो, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, आ गया हमारे पास टोटल एक्सपेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, हमने कहा भाई इक्वल्स टू सम, ठीक है। और हमने क्या किया भाई, नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गया हमारे पास इक्वल्स टू ये माइनस, ठीक है भाई। तो क्या हो गया हमारे पास, हम चले गए नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास नेगेटिव में आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐड अदर इनकम, अगर कोई हमारे पास अदर इनकम होगी तो ऐड करेंगे, वरना ऐड नहीं करेंगे। अच्छा भाई एक सवाल, ये हम अदर इनकम यहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हैं, हम शुरू में क्यों नहीं ऐड कर लिया हमने, यहाँ पे तो कर सकते थे हम, यहाँ पे क्यों नहीं किया हमने? सर एक्सपेंस से माइनस होते हैं अदर इनकम, देखो ये यहां से लेके यहां तक ये जितना भी पार्ट है ये सब किसका है, ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट है। किसका पार्ट है, ऑपरेशंस का पार्ट है कि भाई हमने जो भी बिजनेस किया है उस समय हमने कितना कमाया कितना गवाया, ठीक है। अदर इनकम क्या होती है, इस ऑपरेशन से हटके होती है। लेट सपोज हमारा बिजनेस था लैपटॉप की खरीदो फरोख्त, ठीक है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा है हमने उससे शेयर दे लिए, उससे डिविडेंड आ रहा है हमारे पास। क्या कोर बिजनेस है मेरा? नहीं, मेरे पास बिल्डिंग एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, मैंने उसको रेंट पे दे दी, अदर इनकम आ गई। क्या मेरा कोर बिजनेस है? नहीं, मैंने क्या किया, मेरे कभी कुछ लोग थे हमने कंसल्टेंसी सर्विस दे दी। क्या कोर बिजनेस है? नहीं। अगर मेरा कोर बिजनेस नहीं है और इसके अलावा कोई अर्निंग हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, अदर इनकम है। तो हम क्या करते हैं, हम फोकस रखते हैं कोर के ऊपर और कोर ने कितना कमा के दिया, ये एक्चुअल फोकस होता है। बाकी ऊपर से कितना हमें अर्न किया वो फिर अलग कहानी है। तो हमारा फोकस किस पे, इस कोर के ऊपर है। क्लियर है? तो इसे हम क्या करते हैं, सर समझ नहीं आया। देखो हम ये कह रहे होते हैं कि भाई ये सारा का सारा पार्ट, ये सारा ये कौन सा है, ये वो है जो एक्चुअली हमारे बिजनेस से रिलेटेड था, जिसका हमारा बिजनेस था हमने उस पे ही फोकस रखा। भाई सेल की किसकी है, बिजनेस की है, हमारे कॉस्ट इसी की आ रही है, एक्सपेंसेस इसी के ऊपर आ रहे हैं। अगर इसके अलावा कोई भी अर्निंग हो रही है तो इसका मतलब है कि वो हमारे बिजनेस के कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो किसका है, वो अदर इनकम का है। लेट सपोज आपका एक बिजनेस है रेंट अ कार का, ठीक है। आप क्या करते हो, आप गाड़ियों को रेंट पे देते हो, एक्चुअली रेवेन्यू कहाँ से आ रहा होगा आपका, गाड़ियों के रेंट से आ रहा होगा, ठीक है। लेट सपोज आपके पास कोई गाड़ी है, उसने कहा यार ये गाड़ी मसला कर रही है, आपने क्या किया गाड़ी के देखा वेखा छोटा फॉल्ट आपने सही कर दिया, उसने आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए इसके, तो क्या कोर बिजनेस है आपका गाड़ी की मेंटेनेंस का? नहीं, ये क्या है, ये अदर इनकम है। तो जिस चीज का आपका बिजनेस ना हो और फिर भी आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा हो तो वो क्या है, वो अदर इनकम है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखो भाई, जिसका कोर का बिजनेस है वो उसका फोकस होना चाहिए, उससे हटके जो मिलेगा वो सब अदर इनकम में होगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अदर इनकम को ये हमारे पास, हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक अदर इनकम थी, वो थी कमीशन इनकम, ठीक है। कितनी हुई कमीशन इनकम फॉर द ईयर, 12,000। ये क्या है, अनअर्नड 18,000। इसका मतलब क्या है कि हमने पैसे लिए हुए थे 18,000 के, बट एक्चुअली जो हमने अर्न किया है या हमें सर्विस दे दी है कितने की, 12,000 की। तो अर्निंग कितने की हुई है, 18 की या 12 की? हाँ भाई, अनअर्नड कमीशन कितना है, 18,000। और हमने कमीशन इनकम कितने की है, 12,000 की। इसका मतलब है हमने सर्विस कितने की दी है, 12,000 की सर्विस दे दी, वो हमने अर्न कर लिया है, और 6,000 अभी भी हम पे लायबिलिटी है। तो जब हम सर्विस देंगे हम उस वक्त इसके रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, कमीशन इनकम कितने की है, 12,000 की, ठीक है। तो वापस क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
कितने का आ गया हमारे पास, आ गया हमारे पास ये प्लस ये, ठीक है। तो एक्चुअली 9000 का हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है। कोई इंटरेस्ट है? हाँ भाई एक इंटरेस्ट है हमारे पास, करेंगे हमने कहा लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितने का इंटरेस्ट एक्सपेंस था हमारे पास? 1000 रुपए का, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, इक्वल्स टू ये माइनस ये लाइन की थी, ठीक है। और अब इसमें क्या लग रहा होगा, इसमें लग रहा होगा हमारे पास टैक्स लग रहा होगा, कितना है हमारे पास, जो भी अमाउंट हो उसका 30%, ठीक है। तो ये हम पे टैक्स लग गया, तो ये क्या गया हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू ये सॉरी ये माइनस ये, तो क्या निकला है हमारे पास, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि एक्चुअली हमारी नेट इनकम है।